हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे शख्सियत की, कुछ ऐसे महान लोगों की जो 2018 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो 2018 के महान व्यक्तियों का निधन, जिनसे परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उनके बारे में आज हम कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे, कुछ बातें करेंगे। तो पहले नंबर पे थे हमारे स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग विश्व के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताने वाले महान वैज्ञानिक थे। इनका 76 वर्ष की आयु में 13 मार्च 2018 को निधन हो गया। स्टीफन हॉकिंग जब 21 वर्ष के थे तो उन्हें मांसपेशियों में कमजोरी जैसा महसूस होने लगा, तो अपने पैरों पर खड़े होने में उन्हें असमर्थता महसूस हुई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन की बीमारी है। मोटर न्यूरॉन ऐसी बीमारी होती है जिसमें नसों पर लगातार हमला होता है और शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। मात्र 21 वर्ष की आयु में इन्हें मोटर न्यूरॉन की बीमारी हो गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मौत को मात देते हुए अपनी ज़िंदगी को बनाए रखा। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम भूमिका निभाई थी। स्टीफन हॉकिंग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्टीफन हॉकिंग का संबंध भौतिक विज्ञान के क्षेत्र से है। स्टीफन हॉकिंग ने किस बीमारी को मात दिया था? तो उस बीमारी का नाम था मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम भूमिका निभाई थी। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम विश्व की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। यह पुस्तक किस महान वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक कोई और नहीं, स्टीफन हॉकिंग से द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2014 में बनी फिल्म थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग किस महान वैज्ञानिक पर आधारित है? तो ये भी स्टीफन हॉकिंग के ऊपर बनाई गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं महान हस्ती जो 2018 में, जिन्होंने 16 अगस्त 2018 को इस दुनिया को अलविदा कहा था, वो थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि भी रहे। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। अटल बिहारी वाजपेयी ने लालकृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर भाजपा की स्थापना की। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी कुल 10 बार लोकसभा के सांसद रहे। इस दौरान वे उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़े। उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव बलरामपुर से जीता था, वहाँ के वो लोकसभा के सांसद रहे। वहीं वह गुजरात से राज्यसभा में पहुँचे थे। इनसे जुड़ी और भी कुछ जानकारियाँ, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार देश के प्रधानमंत्री रहे? तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। तो इनका जो मुख्य कार्यकाल था वो 1999 से 2004 तक था। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसको गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है? तो सबसे कम कार्यकाल जो है वो अटल जी का 13 दिन का कार्यकाल था। 1996 में इन्होंने 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। किसने सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था? सबसे पहले हिंदी में स्पीच देने वाले अटल वाजपेयी जी थे। उन्होंने 1977 में संयुक्त राष्ट्र सभा UN में हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, तो ये अटल जी के बारे में था। उन्हें 1992 में 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण, तो भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए अटल बिहारी वाजपेयी। और 25 दिसंबर को उनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। इनको जो है विदेश मंत्री भी नियुक्त किया गया था। ये 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। ये सारी जानकारी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अगला है, UN के पूर्व महासचिव कोफी अनन का निधन। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जो दुनिया की सबसे बड़ी
ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो महासचिव सेक्रेटरी रहे कोफी एनन, इनका निधन हुआ 18 अगस्त 2018 को। कोफी एनन को उनके मानवीय कार्यों के लिए वर्ष 2001 में नोबल शांति पुरस्कार मिला था। वे 1 जनवरी 1937 से 31 दिसंबर 2006 तक दो कार्यकालों के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे। कोफी एनन का 18 अगस्त 2018 को निधन हो गया, वे 80 वर्ष के थे। कोफी एनन को वैश्विक स्तर पर शांति प्रयासों और गरीबी उन्मूलन के लिए जाना जाता है। हाल ही के दिनों में वो रोहिंग्या और सीरिया के शरणार्थियों के लिए संकट का समाधान पर काम कर रहे थे और इनका 18 अगस्त 2018 को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगले जो हस्ती है हमारे प्रसिद्ध जैन मुनि तरुण सागर। प्रसिद्ध जैन मुनि तरुण सागर का 1 सितंबर 2018 को निधन हो गया। वे 51 साल के थे। वे लंबे समय से पोलियो से पीड़ित थे। तरुण जैन सागर हमारे प्रसिद्ध जैन थे मुनि तरुण सागर, जो कि कर्नाटका में उन्हें क्रांतिकारी का शीर्षक दिया गया था। सन 2003 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में उन्हें राष्ट्र संत घोषित कर दिया गया। तरुण सागर मुनि के सारे प्रवचन कड़वे प्रवचन नाम से प्रकाशित किए गए हैं। उन्हें सभी प्रवचन 8 हिस्सों में संकलित किए गए हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके प्रवचन किस नाम से प्रसिद्ध हैं, तो कड़वे प्रवचन, ठीक है। अगला है देश की पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन, द फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर। आज़ादी के बाद सबसे पहली बार यूपीएससी क्रैक करने वाली देश की पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन हुआ गया। नेक्स्ट है आपका नोबल पुरस्कार विजेता बीएस नायपॉल का निधन। भारतीय मूल के लेखक और प्रसिद्ध ब्रिटिशकार उपन्यासकार सर बीएस नायपॉल का 12 अगस्त 2018 को लंदन में निधन हो गया। सर बीएस नायपॉल को वर्ष 1971 में बुकर प्राइज और 2001 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1990 में साहित्य योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। वे रविंद्रनाथ टैगोर के बाद साहित्य का नोबल हासिल करने वाले भारतीय अथवा भारतीय मूल के सिर्फ दूसरे लेखक हैं। इनकी कुछ मशहूर और लोकप्रिय किताब है, सबसे ज़्यादा मशहूर है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास सबसे फेमस बुक है बी एस नायपॉल की। इसके अलावा द मिमिक मैन, इन आफ्री स्टेट, गुरिल्लाज, अवेंड इन द रिवर, अवे इन वर्ल्ड, द एनिग्मा ऑफ अराइवल, बियॉन्ड बिलीफ, इस्लामिक एक्सटर्जन अमंग द कन्वर्टेड पीपल्स, हाफ अ लाइफ, द राइटर एंड द वर्ल्ड, लिटरेरी ऑक्शंस, द नोबल मैजिक सीड्स आदि इनकी मशहूर रचनाओं में शामिल है। तो इन आफ्री स्टेट, अवेंड इन द रिवर, हाफ अ लाइफ, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास ये काफ़ी फेमस बुक है वी एस नायपॉल की। और कुछ फेमस लोगों की यहाँ पे निधन हुआ था जिनका नाम है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह का निधन। केदारनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के कवि थे, हिंदी में ये कविता लिखते थे और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का बेंगलुरु में निधन हुआ है। वर्तमान केंद्र में उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्रालय और संसदीय मामलों का मंत्री पद मिला था। उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी का निधन हुआ। एनडी तिवारी जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला पर्यावरणविद प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का निधन। जीडी अग्रवाल जो कि 111 दिन तक अनशन पे थे, गंगा पुत्र भी कहा जाता है इन्हें, गंगा की सफाई के लिए अनशन पे बैठे थे जीडी अग्रवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। गंगा पुत्र के नाम से फेमस जीडी अग्रवाल का निधन हुआ हाल ही में। अगला वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर का निधन। कुलदीप नैयर एक वरिष्ठ पत्रकार है भारत के। कुलदीप नैयर ने बिटवीन द लाइन्स, डिस्टेंट नेबर, ए टेल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इंडिया आफ्टर नेहरू, वॉलेट घाटा, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, इंडिया हाउस, स्कूप, द डे लुक्स ओल्ड जैसी ओल्ड कई किताबें इन्होंने लिखी है। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर का निधन हाल ही में हुआ है। ये फेमस पर्सनालिटीज थी जिनका 2018 में निधन हुआ। तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।